मुजफ्फरनगर जिले के करकरौली थाना इलाके में कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश की वजह से एक युवक पर हमला कर दिया, साथ ही धारदार हथियार से वार किया, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोप है कि दबंगों ने पीड़ित युवक के घर पर भी जमकर पथराव किया। दरअसल मामला करकरौली थाना इलाके के ग्राम खेड़ी फिरोजाबाद का है, जहां पर यामीन पुत्र सरफराज गांव में ही मुर्गा की दुकान करता है। दुकान पर आए गांव के ही कुछ लोगों ने युवक को गाली गलौज करनी शुरू कर दी, जिसका पीड़ित ने विरोध किया तो युवकों ने मारपीट शुरू कर दी, जिसमें युवक के सर में धारदार हथियार लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंचे परिजन ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन दबंगों ने युवक के परिजनों पर भी लाठी डंडों से हमला कर दिया और पीड़ित के मकान पर पथराव किया, जिसमें युवक के पिता समेत अन्य परिजन घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। जी थोड़ी सी मामूली सी एक मुलाकात को लेकर के भाई मुर्गे की दुकान है इनकी, और इन पे वहाँ से वो गाली देते जा रहे थे। इन्होंने कहा भाई क्यों गाली दे रहे हो आप, तो उन्होंने इन पे आके 5-7 तेजी में धारदार हथियार से इन पे वार किया। गंभीर रूप से घायल है भैया हमारे, ये छोटा भैया मेरा, और ये अब हम यहाँ पे अस्पताल में है जी। क्या मारा गया सर? जी धारदार हथियार था जी। अच्छा जी। पुलिस वगैरह मौके पहुंची? जी उस टाइम नहीं, जी उस टाइम नहीं पहुंची जी। अच्छा, अब क्या चाहते हो आप? जी ये चाहते हैं जी हमारे भाई को इंसाफ मिले जी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जी। मुझे कितने लोग हैं? जी वे थे जी 5-6 थे जी।